नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल माइनू ऑनलाइन टेक पर। दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को बहुत ही अच्छा कमेंट दिया है कि उन्होंने मेरे को कहा कि APS में फंड ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, तो उसके लिए एक वीडियो बनाई। तो आज इस वीडियो के जरिए आपको ये दिखाऊंगा आप APS सर्विस पर जाकर कैसे फंड ट्रांसफ़र करोगे। सबसे पहले हम APS सर्विस पर चलते हैं। APS पर जाने के बाद यहाँ पे बैंक नेम सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो यस, यहाँ पे आपको ध्यान से सुनने का जो बात है, मैं अपने खुद के स्टेट बैंक के अकाउंट से दूसरे स्टेट बैंक के अकाउंट पर मैं पैसा ट्रांसफ़र करूँगा, फ़ंड ट्रांसफ़र। तो अब वो फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे होंगे? आधार कार्ड से आधार कार्ड पे पैसा जाएगा। मेरा आधार लिंक है SBI के साथ, तो मेरा SBI खाते से पैसा काट के उस आधार कार्ड नंबर पर जाएगा। उनका आधार कार्ड SBI पे SBI के साथ लिंक होना चाहिए। मेरा आधार कार्ड मेरे SBI के साथ लिंक है, उनका आधार कार्ड उनके SBI के साथ लिंक है। तो मेरे आधार कार्ड नंबर से उनके आधार कार्ड नंबर पर ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ से वहाँ फटक से ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड नंबर डालना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करूँगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा स्टेट बैंक है। देन यहाँ पे मेरा आधार कार्ड नंबर डालूँगा खुद का, डाल दिया। डालने के बाद यहाँ से हमें सर्विस सिलेक्ट करना है। जैसे नॉर्मली हम यहाँ से सर्विस यूज़ करते हैं, बैलेंस इंक्वायरी, डिपॉजिट, विदड्रॉल, एंड देन यहाँ पे नीचे है ऑन आज फंड ट्रांसफ़र, ऑफ आज फंड ट्रांसफ़र, मिनी स्टेटमेंट। अभी यहाँ पे ऑन आज फंड ट्रांसफ़र करेंगे। ऑन आज फंड ट्रांसफ़र यानी कि अपने खुद का बैंक SBI बैंक से SBI बैंक पर। तब जैसे इस पर ऑन आज फंड ट्रांसफ़र हम सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे बेनिफिशियरी बैंक का नाम बताया जा रहा है, तो हम यहाँ से उनका भी स्टेट बैंक पर ही भेजना है, तो उनका स्टेट बैंक के साथ ही आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, तो उनका स्टेट बैंक यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जिनको हम भेजेंगे। देन बेनिफिशियरी का आधार नंबर यहाँ पे डालने के लिए बोल रहा है, जिनको हम पैसा भेजेंगे उनका आधार नंबर हम यहाँ पे डालेंगे। उनका आधार नंबर डाल दिया, एंड देन यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 10 रुपये ट्रांसफ़र करूँगा। सबसे ऊपर मेरा खुद का बैंक और आधार कार्ड नंबर, एंड देन नीचे उनका बैंक सिलेक्ट किया एंड उनका आधार नंबर डाला। अभी 10 रुपये मैं ट्रांसफ़र करूँगा। कैसे सक्सेस होता है आप वीडियो में पूरा देखना। यहाँ पे मैं सक्सेस होने के बाद फिर मोबाइल पे पैसा आया कि नहीं वो भी आपको मैं ऐसे दिखा दूँगा। मेरा उनके खाता का भी बैलेंस दिखा दूँगा और मेरा खाता का भी बैलेंस दिखा दूँगा। तो चलिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद आधार कार्ड का जो वार्निंग आता है वो आएगा, एंड देन फिंगर आएगा, हमें फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ सेकंड टाइम लेता है, हम वेट करेंगे। जैसे नेक्स्ट स्क्रीन आते हैं हम इसका जो भी काम है वो आगे लेके जाएंगे। अभी तक ये जो है आ गया है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं अपना खुद का फिंगर सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरा खुद का अकाउंट से जा रहा है, तो जिनका अकाउंट से जाएगा उनका ही फिंगरप्रिंट यहाँ पे लगेगा। मैं अपना आधार फिंगर चूज़ कर लिया, राइट थंब चूज़ करके मैं यहाँ पे अंगूठा भी लगा दिया। फिंगरप्रिंट कैप्चर आई थिंक सक्सेस हुआ है। अब यहाँ पे पासवर्ड डालने के लिए बोल रहे हैं, एजेंट पासवर्ड डालूँगा। पासवर्ड डाल के देन कन्फर्म ऑथराइज बटन पर क्लिक करूँगा, तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी सक्सेस हुआ है। एंड देन नेक्स्ट स्क्रीन आएगा, नेक्स्ट स्क्रीन आने के लिए हम वेट करेंगे। तो नेक्स्ट स्क्रीन जैसे ही आ गया यहाँ पे बताया जा रहा है वही जैसे हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, यहाँ पे मेरा अकाउंट से उनके अकाउंट पे जाएगा, यानी कि मेरा आधार कार्ड से उनके आधार कार्ड पे जाएगा, ऐसा दिखाया जा रहा है। और इसमें कोई कमीशन नहीं है, कोई चार्जेबल नहीं है, कमीशन जीरो है। कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे और ट्रांजेक्शन सक्सेस होना चाहिए। यहाँ पे जैसे मैंने ट्रांजेक्शन किया तो देखिए ये सक्सेस दिखाया गया है, यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र रिसीप जनरेट हो गया और ये सक्सेस हुआ है। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन अमाउंट भी आपको देखने के लिए मिल रहा है और अकाउंट बैलेंस भी अवेलेबल कितना है ये देखने के लिए मिल रहा है। तो ये हो गया मेरा फंड ट्रांसफ़र का काम। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए सबसे पहले फटक से यहाँ पे मेरे मोबाइल पे मैसेज भी आ गया है यहाँ पे कि आपके खाते से पैसे डेबिट हुआ है बोल के 10 रुपये, और उनके खाते पे भी क्रेडिट हो गया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हो गया क्लियर। अभी यहाँ पे मैं जो है स्टेटमेंट दिखा दूँगा उनके खाते पे क्रेडिट हुआ है कि नहीं। देखिए यहाँ पे जो है स्टेटमेंट निकल गया और सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है FI ट्रांजेक्शन क्रेडिट 10 रुपीज़। इसी तरह SBI CSP पे APS ट्रांजेक्शन पर जाकर फंड ट्रांसफ़र करता है आधार कार्ड तो आधार कार्ड। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो SBI CSP वीडियो इस चैनल पर बनते रहते हैं, तो कृपया आप हमारे चैनल से जुड़ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतनी है, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।